हाय, इस वाली वीडियो में मैं फोल्डेबल वार्डरोब अनबॉक्स करूंगा, असेंबल करूंगा, रिव्यू करूंगा और बहुत कुछ करूंगा मैं तो ये ऐसा वाली वीडियो हम लोग ये सब करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी फोल्डेबल वार्डरोब। इससे पहले भी वार्डरोब मैंने जो कि फोल्डेबल थी मैंने ऑर्डर करी थी, असेंबल करी थी, उसकी वीडियो इधर आ रही होगी, आप जैसे देख सकते हैं। लेकिन उसकी क्या क्वालिटी मेरे को सही नहीं लगी, तो मैंने एक दूसरे तरह की फोल्डेबल वार्डरोब मंगाई है। तो फाइनली कल आ चुकी है, ये है हमारा बॉक्स, ठीक है। ये हमारा बॉक्स है, ये आ चुका है, अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है। उस वाली वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे और असेंबल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले बॉक्स में से फाइनली ये सारा आइटम मिल रहा है। बड़े बड़े पाइप्स हैं, कुछ छोटे पाइप और ये प्लास्टिक बड़े, बेसिकली ये सब निकला है। और ये कुछ क्लोथ्स निकले हैं, ठीक है, जो बेसिकली कवर वगैरह होंगे वो सब निकला है। और एक निकला है मैनुअल। तो इस मैनुअल में बेसिकली ये सब लिखा है कि कितने तरह के क्या क्या आइटम हैं और स्टेप्स वगैरह लिखी हैं कि कैसे असेंबल वगैरह करना है। तो यह स्टेप देखते जाएंगे, करते जाएंगे, स्टेप देखते जाएंगे, करते जाएंगे। अब लेट सी कितना टाइम लगता है, कितना टाइम नहीं लगता। होप सो जल्दी हो जाए, क्योंकि भैया वीडियो बनाने के लिए पंखा बंद करना पड़ता है, पंखा बंद है हमारा अभी, और ऐसे पसीने आ रहे हैं ना, ऐसी ऐसी जगह से पसीने आ रहे हैं कि बता नहीं सकते हम। बट ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि जल्दी कर लें। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली एक लेयर तो बन गई, ऐसा मतलब इसमें दिखाया गया है मैनुअल में कि ऐसा करो फिर एक लेयर बन जाएगी। फिर अपन दो तीन लेयरें बनानी है, तब तो जाके अपना फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। तो लेट्स सी, अभी तो बहुत मेहनत बाकी है, इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। आई नो दैट एक लेयर में इतनी मेहनत लगी है, तो फिर अभी तो तीन मंजिला बनाना है भैया, बहुत मेहनत लगेगी, लग जाते हैं दोबारा काम पे। दो लेयर तो बन चुकी हैं, एक तो नीचे वाली लेयर और एक ही है अभी, एक और दो भी और बनना बाकी है। तो मेहनत का काम तो है, अगर ये सेटअप करने जाओ तो मेहनत तो लगती है। तो चलिए बैक टू वर्क।
तो फाइनली अपनी वार्डरोब जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। तब बनने के बाद ये ऐसी लग रही है। तो पहली बात तो बहुत मेहनत लगती है बनाने में, सही बता रहा हूँ। बार बार मैनुअल में देखो कि कोई कुछ रह तो नहीं गया, कैसे करना है कैसे नहीं करना, बट एक बार आपको समझ में आ जाता है तो आप आराम से बना सकते हैं ऐसा। तो मैं अपना रिव्यू देता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कैसी है कैसे नहीं। तो पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि इसमें क्या है, बीच में पाइप्स हैं। तो अगर आप कुछ बीड्स वगैरह रखते हैं तो बुक्स बुक्स वगैरह रखते हो या फिर कपड़े वगैरह रखते हो तो आप आराम से ये वजन ले लेगा। क्वालिटी वाइज इसकी जो पाइप्स की क्वालिटी है और ये जो है प्लास्टिक का सपोर्ट देने के लिए, तो इनकी क्वालिटी काफ़ी बहुत सही है, मतलब तो काफ़ी सही है। बट एक चीज़ की क्वालिटी जो अच्छी नहीं लगी वो है ये कपड़ा। तो इस कपड़े की क्वालिटी और बेटर हो सकती थी, बट देन ऑल्सो इट्स गुड, मतलब इतना बुरा भी नहीं है कि फट जाए जल्दी से। हालांकि ये सपोर्ट वगैरह रहेगा तो आराम से नहीं फटेगा इतनी जल्दी। तो जो मैंने पर्सनली यूज़ के लिए मंगाई थी, मैंने कपड़े के लिए मंगाई थी, तो सबसे पहले तो कपड़े रख के देखते हैं इस पे कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो देखते पहले जैसे मान के चलो अभी इधर ही रख के देखते हैं। ये रखे, ओके, तो मतलब इसका सीन ऐसा है कि अगर मैं इसको कपड़ों को ऐसे रखता हूँ तो ये बाहर तो निकलेंगे, मतलब ऐसे इतना बाहर निकलेंगे, मतलब 4 आंगुल करीब बाहर निकल रहे हैं। बट अगर मैं इनको ऐसे रखता हूँ तो ठीक है, मतलब तब पूरा आ रहा है इसमें, पूरा एडजस्ट हो जा रहे हैं इसमें, तो ऐसा रखना सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और जो मेरे को लगी कि जो अपनी वार्डरोब है इसमें इन लोगों को कवर देना चाहिएगा, मतलब हालांकि अगर पीछे का कवर होता है या फिर आगे कवर होता तो अपन बुक्स वगैरह या फिर कुछ भी कपड़े वगैरह रख सकते तो कवर हो जाता, तो धूल मिट्टी नहीं होती। तो बट इन लोगों ने नहीं दिया। हालांकि ये जो है फ्लिपकार्ट से मंगाया था मैंने, तो ये बुक सेल्फ करके मतलब था उसमें प्रोडक्ट, बट मैंने कपड़े कपड़ों के लिए मंगाया मेनली, तो मैं कपड़े वगैरह रखूँगा तो आई थिंक कवर नहीं देंगे वो लोग बुक्स के लिए, बुक सेल्फ के लिए। बट देन ऑल्सो ये क्वालिटी वाइज में काफ़ी सही लगा। ये मेरे को कितने का पड़ा, ये मेरे को पड़ा अराउंड 1385 यानी 1385 रुपये समथिंग का पड़ा मेरे को ये। तो ओवरऑल काफ़ी सही था। अगर आप वो हैं जिनके पास वार्डरोब नहीं है और आपको वार्डरोब चाहिए तो आई वुड सजेस्ट दिस कि आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, क्वालिटी वाइज काफ़ी सही है। इसमें एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस कर रहा था मैं अभी बनाते बनाते कि इसको अगर ये वाला सेक्शन है अगर अपन चाहें तो इसको ऊपर तक बना सकते हैं और इधर तो चाहे तो इसको तोड़ के इधर बना सकते हैं अपन, तो इट्स अप टू यू। बट ये मेरे को स्टेप में काफ़ी कूल सा लगा था, तो इधर मैं कुछ रख भी लूँगा, थोड़ा फैंसी आइटम तो बड़ा कूल सा लगेगा इसलिए, तो इधर कुछ फैंसी आइटम रखेंगे अपन ज़रूर। तो यार ये था अपना फोल्डेबल वार्डरोब, तो आई होप कि आपको पसंद आई हो वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय।